नमस्कार। तो आपकी और मेरी घड़ी में बजने वाले हैं दोपहर के। तो ये वो वक्त है जब पूरा उत्तर प्रदेश देखता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हलचल चल रही है। सभी विधानसभाओं की नब्ज टटोलने का काम करते हैं। ऐसे में आज हम एक मुख्य सीट यानी मथुरा को लेकर आए हैं। मथुरा के गोवर्धन विधानसभा का क्या हाल है, आज उसको जानने की कोशिश करेंगे और परखने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि मथुरा में कौन सी पार्टी फिलहाल गर्दिश में है। 2017 की बात करें तो 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की लहर थी, उसी लहर में जो बीजेपी के विधायक बनते चले गए, ऐसे में गोवर्धन से भी बीजेपी के विधायक करिंदा सिंह ने बाजी मार दी। करिंदा सिंह बीजेपी से विधायक बने 2017 में, और उससे पहले 2012 में राजकुमार रावत बीएसपी से विधायक बने, और उससे पहले 2007 में पूरन प्रकाश, और उससे पहले 2002 में श्याम बीजेपी से विधायक बने, 1996 में अजय कुमार बीजेपी से विधायक। तो बीजेपी से विधायक ज्यादा दिए गए हैं 1996 की बात करूं तो। साथ ही साथ आपको एक विचित्र सी बात बताता हूं, यूनिक स्टोरी। समाजवादी पार्टी से आज तक कोई भी यहां विधायक नहीं बना है। तो समाजवादी पार्टी, जिसका भी उत्तर प्रदेश पर कई दफा कब्जा रहा, कई दफा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री भी रहा, लेकिन इसके बावजूद यहां से करिंदा सीट से, आपको बता दूं कि गोवर्धन विधानसभा से कोई विधायक नहीं रहा समाजवादी पार्टी का। यहां पर कांग्रेस 36 साल से खाता नहीं खोल पाई है। हालांकि 1985 तक कांग्रेस का यहां पर वर्चस्व था। यहां पर फिलहाल जो माहौल बताया जा रहा है वो बीजेपी और आरएलडी के पक्ष में है, और चूंकि आरएलडी सपा के साथ गठबंधन में है, इसलिए सपा का भी यहां पर माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ वोटर्स की जातिगत संख्या आपको बताता हूं तो ठाकुर यहां पर 85,000 हैं, ब्राह्मण 60,000 हैं, जाट 70,000 हैं, वैश्य 25,000 हैं, ओबीसी 35,000 हैं और मुस्लिम 12,000 हैं। तो ये यहां पर जातिगत आंकड़े हैं कि जातियों क्या कहती है यहां पर। अब आपको एक और बात, यहां के विधायक के साथ कोई भी विवाद हालांकि बड़े रंग में तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, उनके पुत्र के द्वारा जनवरी 2020 में, सुनील सिंह नाम है, उन्होंने गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए थे। सीए एनआरसी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब वो उस प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं और कहते हैं सीए एनआरसी जरूरी है और गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। एसेट की बात करूं तो खूब धन वर्षा है, 8 करोड़ से ज्यादा की एसेट इनके पास है। एक और विवाद है, लेकिन अब उस विवाद का अंत हो चुका है, क्योंकि 8 साल पहले मथुरा रिफाइनरी गेट पर, गेट नंबर 9 पर एक जानलेवा हमला हुआ था। इस जानलेवा हमला के मामले में विधायक जी, उनके पुत्र समेत कई लोगों को नामित किया गया था, लेकिन अब एमपीएमएलए कोर्ट ने इनको राहत दे दी है, दोष मुक्त कर दिया है। तो ऐसे में गोवर्धन विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये है गोवर्धन विधानसभा की तस्वीरें, जिनको देखकर आप थोड़ा सा मौसम समझ सकते हैं कि मौसम क्या कुछ कहता है। तो गोवर्धन विधानसभा की पहली तस्वीर ही आई है, बहिष्कार 2022 विधानसभा में बहिष्कार करेंगे, और खड़े कहां पर हैं, ये दरअसल एक सड़क है जो ग्रामीण अंचल को जाती है। तो ये वो जगह जहां पर होनी तो थी सड़क, लेकिन लोग वहां पानी के कीचड़ में खड़े हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, थोड़ा सा समझिए कि क्या कुछ कहती है गोवर्धन विधानसभा सीट। चलिए, तो ऐसे में हमारे साथ गोवर्धन विधानसभा से सत्ता पक्ष की तरफ से बैठेंगे सत्यपाल जी, जिलाध्यक्ष हैं आप बीजेपी से, और दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो सवाल रहेगा वो सत्यपाल जी आपसे रहेगा। सत्यपाल जी, गोवर्धन विधानसभा में आप वो काम बताइए कि 2017 से पहले नहीं था, आप आए, आपने किया, और आज आप उसको लेकर फख्र महसूस कर रहे हैं, और जो भी बताइएगा थोड़ा तोल मोल कर सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि जनता भी जुड़ेगी। फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, वो आपको अपनी बात रखेंगे, बताइए। पहले तो मैं ब्रजभूमि में आपके चैनल का हृदय से बहुत स्वागत करता हूं। जी शुक्रिया। ब्रजभूमि में आपने इतना अच्छा हम सबके बीच में अपनी बात रखी, इसलिए ब्रजभूमि में और खास तौर से प्रभु गिरिराज जी के चरणों में आप आए, उसका हृदय से स्वागत। 2017 से पहले गोवर्धन विधानसभा जिस बदहाली के रास्ते पर थी, 2017 में हमारे लोकप्रिय विधायक, सरल और सहज विधायक माननीय करंदा सिंह जी ने जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त की, और लगातार और अनवरत ऐसे इलाके जिन इलाकों में 70 साल से गड्ढे थे, उन इलाकों में सड़क का निर्माण कराया,
गोवर्धन पूरे गोवर्धन के पूरे आसपास की पूरी परिकल्पना को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने, ब्रज तथा ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने और स्वयं विधायक करंदा सिंह जी ने अपने अथक प्रयासों से आज गोवर्धन में जो विकास का एक नया स्वरूप देखने को मिलता है, जो गोवर्धन की पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा के साथ गोवर्धन में जो विकास का एक नया अध्याय माननीय करंदा सिंह जी ने लिखा है, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ऐसा विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में संभव है, यह डबल इंजन की सरकार में संभव है। ठीक है, तो डबल इंजन की सरकार में जो विकास संभव है वो दरअसल संभव ही नहीं है। आप आरएलडी के साथ इस बात गठबंधन की स्थिति में है, तो प्रदीप चौधरी जी जरा आप बताइएगा कि बीजेपी ने 2017 से 2022 तक वो क्या काम किए कि आपको लग रहा है कि अब आपको आने की जरूरत है। देखो, अभी आपने एक सवाल किया था भाई सतपाल जी के, और भारतीय जनता पार्टी की बस यही अच्छाई है कि उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि हमने कौन सा ऐसा काम किया 2017 के बाद और 22 के बीच में। उन्होंने एक भागवत आचार की तरह बड़ोसी कथा बहुत अच्छी भूमिका आपके सामने रख दी विधायक के लिए, अपनी सरकार के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गोवर्धन में कोई काम नहीं कराया है। गोवर्धन में बाईपास का निर्माण हुआ, समाजवादी सरकार ने बना। गोवर्धन को तहसील बनाने का काम सरकार सरकार ने किया। पाडल में मॉडल स्कूल देने का काम किया। राधाकुंड में आईटीआई देने का काम किया। गिरिराज परिक्रमा का सौंदर्यीकरण करने का काम किया और गोवर्धन के चारों फोर लेन रोड बनाने का काम किया, जिसको 488 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया और 20% पैसा जारी करने के बाद पूरे 5% में बोल रही आपके बीच में नहीं बोला हूँ। गोवर्धन से मथुरा, सत्यपाल जी को शायद आवाज नहीं आ रही है, इसको थोड़ा सा फिक्स करिए, ऑडियो को फिक्स करिए। 2016 के बाद में 2016 में काम चालू हो गया था। 102 किलोमीटर फोर लेन रोड से आज गोवर्धन के रास्ते कुछ और होते, लेकिन 5 वर्ष में गड्ढों के अलावा आप गोवर्धन से मथुरा चले जाइए, आप सौंक से गोवर्धन चले जाइए, किसी भी रोड में गड्ढों के अलावा सड़क नहीं दिखाई देती थी। आज जब चुनाव आ गया है तो फोरलेन का काम चालू कराने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। बरसाना में हमने रोपवे चालू कराया, टेंडर हो गया, काम हो गया, पूरे 5 वर्ष काम को रोकने का काम किया। हमने संस्कृत विश्वविद्यालय बनाना चाहते पैसे पर, उस काम को रोकने का काम किया। एक कन्या विश्वविद्यालय, कन्या महाविद्यालय बनना था राधाकुंड में, रोकने का काम किया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घोषणा हुई थी किशन मुर्जा जी द्वारा कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 1 साल के अंदर ड्रोन ट्रेन चल जाएगी। आज एक पटरी कहीं नहीं है। जिस तरीके से कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती, ऐसे ही भाजपा का भी झूठ का फूल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर घोषणा झूठ के बाद लोगों को लड़ाने के अलावा विकास के माध्यम में पूरे मथुरा में कोई काम बता दीजिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि लगातार नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल सत्यपाल जी हमारे साथ नहीं, एक बार फिर ऑडियो फिक्स करके उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक ठीक है प्रदीप जी। कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमने मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का काम किया। ठीक है, एक 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 चीज ले लेता हूं, सत्यपाल जी, प्रदीप चौधरी साहब बड़ा आक्रोशित होकर कह रहे हैं कि गड्ढे बहुत हैं पूरी गोवर्धन विधानसभा में, बता रहे कहीं भी चले जाइए पता नहीं चल रहा कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क है, क्या है। राज्य मेला होता है, किसी मेले पे उन्होंने पैसा देने का काम नहीं किया, फोड़ने मेले को बंद करने का काम किया, 5 वर्ष में किसी रोड पे काम नहीं किया, कोई डाबर नहीं हुआ। और विधायक जी को तुम लोग गाँव से भगा देते हैं, इनके विधायक जी को। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, तो ऐसे में अरे भाई लोगों का पेट धर्म से नहीं भरता है, लोगों का पेट महंगाई नौकरी से भरता है, कमाने से भरता है। आज महंगाई चरम सीमा पे, कड़वा से 200 रुपए लीटर बिक रहा है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। ठीक है, इनकी बातों से केवल भाकुड़ से पेट नहीं भरेगा। सत्यपाल जी इनका कहना है पूरे आप कुछ भी कर लीजिए, आप अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है ये कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन विकास बिल्कुल जीरो है बताया जा रहा है। प्रदीप जी बता रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि धर्म की बात कितनी भी कर लीजिए लेकिन धर्म रोटी नहीं देगी। ये कह रहे हैं कि आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, धर्म रोटी नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, सारी योजनाओं को केवल बंद करने का काम किया। मल्टीलेवल पार्किंग गोवर्धन बनी है, समाजवादी सरकार की देन है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस समाजवादी सरकार की देन है। परिक्रमा मार्ग में जो जालियां लगी समाजवादी पार्टी का 7.5 करोड़ का टेंडर है। इन लोगों ने कहा हम दूध का स्टॉक करने का प्लांट लगाएंगे, गिरिराज जी का आज तक प्लांट नहीं लगा। 2.5 वर्ष से कल अखबार में छपा, म्यूजिक सिस्टम बंद है, कैमरे बंद है, लाइट नहीं चलती है। गोवर्धन
गोवर्धन में लगातार गायब ने केतु जा रखे किसानों के। भारतीय जनता पार्टी झूठ का फूल है और झूठ के फूल के नाम पर भाई से भाई को लड़ा करके राजनीति करके वोट लेने का काम किया। 2022 में जनता समझ गई है गोवर्धन विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश में इनकी जमानत जब्त होगी। चलिए आपने सुना सत्यपाल, प्रदीप जब रुकिए थोड़ा, सत्यपाल जी को बोल लेने दीजिए, तब तक हम अनुरोध करेंगे कि कॉलर्स के लिए फोन लाइंस खोल दी जाएं। ठीक है सत्यपाल जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक गोवर्धन विधानसभा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों का, जिस तरीके से माफियाओं का, जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों का, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, प्रदीप जी चीखना चीखना, प्रदीप जी का चीखना, अरे आप सुनेंगे ना पहले, आप सुनेंगे तभी तो ना, बताइए क्या काम किया 2022 के बाद, प्रदीप जी का नहीं, देखिए कुशलता के साथ अपनी बातों को रखिए, कुशलता के साथ अपनी बातों को रखिए, कुशलता के साथ, आप कोई आम ग्रामीण नहीं है या ग्राम प्रधान नहीं है, आप लोग बड़े नेता लोग हैं, अपनी अपनी बातों को रखिए। आप प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप जी लड़िए झगड़िए मत, प्रदीप जी का ऑडियो डाउन करिए, प्रदीप जी अरे आप बाद में गोवर्धन में क्या हुआ वो बताए ना, प्रदीप जी आप क्यों सत्यपाल जी अपनी बात रखिए, प्रदीप जी थोड़ा सा सुनने की भी क्षमता रखिए, जो सोच कर आए हैं उसको मत बोलिए, थोड़ा सा सुनिए, जो सोच कर आए उसको मत बोलिए सत्यपाल जी, नहीं चलेगा ठीक है सत्यपाल जी अपनी बात रखिए। 2017 में इस प्रदेश की जनता ने आपको बेनकाब किया, आपके चेहरे पर कालक पोती, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं 2014 हम विकास के मुद्दे पर देश में हमने सरकार बनाई, 2017 में हमने विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, और अगर आप हमसे पूछते हैं हमारे मुद्दे नहीं, आप मुद्दों को आपने कितना पूरा किया उसको बताइए, हमारा गोवर्धन मार्ग जो बदहाली के रास्ते पर था, जिसको सपा गवर्नमेंट ने अरेमित्याओं के टेंडर के रूप में उसका इतना ज्यादा अनुप्रयोग किया, हमने हमारी सरकार ने आते ही उस रोड पर काम चल रहा है, मैं समझता हूँ वो रोड ठीक है। जितनी बातें आपने की आपकी काउंटर करने के लिए कॉलर साहब भी जुड़ गए, एक रैंडम दर्शक नंबर्स देखकर हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है एक सेकंड प्रदीप जो सत्यपाल जी कॉलर को लेंगे, ठीक है कॉलर को लेंगे जी, नमस्कार स्वागत है आपका, नाम बताइएगा जी सर, मैं गोवर्धन विधानसभा से, थोड़ा सा ऑडियो आप करिएगा फिक्स ऑडियो प्लीज, मेरा नाम सतीश है। हाँ जी वहाँ पे शौचालय बनाया गया था, वो शौचालय बेकार हो गया, उसमें गड्ढे का पानी नहीं निकलता, बल्ब तो अभी तक देखेंगे किसने, और मेरा भी बोतल आई फिलहाल शौचालय में लॉक पड़ा हुआ है। थोड़ा सा ऑडियो फिक्स करिए जरा, पीसीआर से अनुरोध है, ऑडियो फिक्स करिए जरा थोड़ा सा, ठीक है अब आप अपना नाम बताकर फिर अपनी बात रखिएगा। मेरा नाम सतीश है जी। सतीश? हाँ जी सतीश। ओके सतीश, अब आपका आवाज क्लियर आ रहा है, बोलिए जी। मैं ये कह रहा था, मैं रामपुर से बोल रहा हूँ, दो बार दिन बिना लगता है, तो वहाँ पर शौचालय बनाया गया था, वो शौचालय में अब तक बल्ब नहीं आए, बिजली नहीं आए, और जो लॉक कराया हुआ है इसके बाद आप देख सकते हो, बड़ी बूढ़ी महिलाएं बेचारे बहुत परेशान है, और बेरोजगार निकले पेंशन वगैरह नहीं, इससे सीधा आज तक। ठीक है सतीश जी कह रहे हैं सत्यपाल जी कि आपने जो शौचालय वगैरह, जो मेरे को शायद इतना ही समझ में आया कि शौचालय जो है उनकी हालत आज ये है कि वो ताले पड़े हैं, देखिए सरकार का उद्देश्य, इस देश के प्रधानमंत्री का उद्देश्य बहन बेटी की सुरक्षा करना हमारी पहली प्राथमिकता में है, जो समाजवादी गुंडों ने, जिस समाजवादी गुंडों ने या कांग्रेस के लोगों ने इस देश को बदहाली का रास्ता पर लिया, देश के प्रधानमंत्री ने समाजवादी तो आई की इज्जत के रूप में हमने सोचा, गोवर्धन विधानसभा की बात करें, गोवर्धन विधानसभा तक सीमित रहते हैं अभी फिलहाल, जी सत्यपाल जी हमने गोवर्धन विधानसभा का, मैं आपको 10 गांवों 10 रोडों के नाम गिना सकता हूँ, ठीक है जो पिछले 20 सालों से कभी बने नहीं थे, गिनाइए हमने उन रोडों का मार्ग
उन रोडों को अच्छा मार्ग बनाया है। आज उन मार्गों पर गोवर्धन विधानसभा का मतदाता, गोवर्धन विधानसभा का आम नागरिक अच्छे से जा रहा है। नहीं प्रदीप जी कह रहे नाम बता दीजिए, 2000 प्रदीप जी कह रहे नाम बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे। मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ, सौंक से भोजपा मार्ग हो, सौंक का मार्ग हो, सौंक से बचगांव का मार्ग हो, आप लोगों के तो आरोप प्रत्यारोप है। जो दर्शक जुड़ेंगे उनसे अभी, जो दर्शक जुड़ेंगे एक सेकेंड ठहरिए, जो दर्शक जुड़ेंगे उनसे अभी वेरीफाई कर लेंगे, क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, बताइए बताइए। मगोरा गांव, इस मगोरा और बचगांव, ये दो बड़े गांव हैं जो गोवर्धन विधानसभा के सबसे बड़े गांव हैं। इन गांवों में लोग अंदर जा नहीं सकते थे, उनको का संपर्क मार्ग नहीं था। हमारे विधायक जी ने उन गांवों में सीसी और बाहर उसको डावरीकरण करा करके आज दोनों गांव खुशहाली के रास्ते पर आगे चल रहे हैं। नंबर एक, मैं ये बताना चाहता हूँ प्रदीप जी को, प्रदीप जी थोड़ा चश्मा चेंज करिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, उसको चेंज करके हमारी सरकार के विकासवादी रूप को, गोवर्धन विधानसभा जो विकास हुआ है उसको तहेदिल से स्वीकार करते हुए हमारे विधायक का धन्यवाद करिए आप। हमारा विधायक केवल विकास के मुद्दे पर बात करता है, आपका विधायक का ऐसा मैं, लोग उसे गांव में नहीं घुसने देते आपके विधायक को। अभी कोने में लगा दिया ठाकुरों का गांव है, अभी कोने में लगा दिया, कोई बिठाना नहीं चाहता आपके विधायक को। भाई मैं खानदान जो है, कॉलर्स को भी लेते रहिएगा, कॉलर्स को भी लेते रहिएगा। अमानत चंद के, अमानत चंद के रास्ते पर है गोवर्धन विधानसभा में 2017 में कहीं कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। कोई ऐसे काम बताइए जैसे हमने बाईपास बनवाया, तहसील बनवाई, पोते दिया, जैसी भी बॉर्डर स्कूल दिया, आईटीआई दिया, समय ये काम गिनाई में सतपाल जी गोवर्धन में, ये नरक धरंजा से विकास नहीं होता है। तमाम टटुरू काटे जाते थे। चले ठीक है, आपसी झगड़ा नहीं, आपसी झगड़ा नहीं, दुकान पे नहीं है, आपसी झगड़ा नहीं, दुकान पे नहीं बैठे, रुकिए रुकिए। आपकी चिंता जायज है। अरे झगड़ा करने का मन थोड़ी दिया है। सत्यपाल जी रुके, सत्यपाल जी रुके, सत्यपाल जी की जनता ने, ठीक है सत्यपाल जी, सत्यपाल जी, सत्यपाल जी, सत्यपाल जी, विधानसभा की जनता ने आपकी दुकान की, दुकान पर नहीं बैठे, रुकिए। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, अरे रुकिए रुकिए, दोनों लोगों का ऑडियो डाउन करिए, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, कोई चाय की दुकान पर बैठे हैं क्या, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्या तरीका है ये, समझिए थोड़ा। प्रदीप जी और सत्यपाल जी, आप भी, जनता आपको देख रही है, कैसे लड़ रहे हैं आप, कोई पान की दुकान है क्या, या नेता है यार, कोई दंगल हो रहा है यहां पर। रुकिए जरा, गैस को लीजिए जरा, ठीक है। कॉलर जुड़ गया, एक रैंडम कॉलर जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, नाम बताइएगा। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइएगा अपना। संजय बोलने था, विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, बताइए, बात रखिए, थोड़ा सा तेज बोलिएगा, बात रखिए। ब्रिटिश जैसे हमारे गांव को बीजेपी ने कोई काम ही नहीं कराया, सब नाली खरंजा, सब पानी की समस्या, बहुत सब बेकार पड़ी है सब। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए, और साथ ही साथ मैं पीसीआर से कहूंगा ये विंडो पूरी चलने दीजिए, और दोनों को देखने दीजिए, जनता किस हिसाब से देख रही है आपको। जनता जब सवाल कर रही है तब आप सवाल लेना नहीं चाहते, आपस में लड़ना चाहते, दोनों का ऑडियो डाउन रखिएगा। आप क्या कर रहे हैं आप लोग, सत्यपाल जी और प्रदीप जी, जनता कॉल कर रही है आपसे, कुछ पूछ रही है। रुकिए प्रदीप जी, आप रुकिए प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी रुकिए, आप लाल टोपी लगाकर क्या हरकत कर रहे हैं आप। चलिए ऑडियो लीजिए जरा दोनों का, भरतपुर से आने वाला रोड, भरतपुर से जो, अरे रुकिए सत्यपाल, सत्यपाल जी, सत्यपाल जी रुकिए, सत्यपाल जी रुकिए, सत्यपाल, सत्यपाल जी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, कोई नुक्कड़ की कोई लड़ाई हो रही है, नुक्कड़ की लड़ाई हो रही है कोई, दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं आप लोग, ये मंच का लड़ाई के लिए दिया गया है क्या। रुकिए आप प्रदीप जी, क्या कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं आप, रुकिए जरा। कॉलर जुड़ा हुआ है, कॉलर की बात को लेंगे। चलिए नमस्कार, नाम बताइएगा अपना। हेलो जी, नाम बताइएगा अपना। अभी संजय जी, संजय जी किससे सवाल है आपका। हमारे सवाल साहब यही, गांव में भूख समस्या था, नाली भरने की, पानी की भी समस्या, पिछली हम क्या गए गांव में। लेकिन सत्यपाल जी बीजेपी के बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता जी हैं, वो तो कह रहे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ था, आगे ना सर्वे करो, मैं आई थी, मैं सुन लूंगा, गरीब आदमी बहुत परेशान। कौन से क्षेत्र से आप बात कर रहे हैं, गोवर्धन के कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। गोवर्धन मथुरा, गोवर्धन विधानसभा से।
कहां से? गोवर्धन विधानसभा के कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं? गांव देश। आप जानते हैं सत्यपाल जी इस गांव को? गांव देश। जैत गांव। हाँ, मैं अब सवाल का जवाब दूं? हाँ बोलिए। सवाल का जवाब दूं क्या मैं? जी बोलिए सत्यपाल जी। अभी जैत गांव में पिछले 15 दिन पहले मैं माननीय विधायक जी कारंदा जी के साथ स्वयं था। इस बात का पलका साक्षी हूं मैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। अब एक सेकंड रुकेगा। आप ये बताइए क्या विधायक जी पहुंचे थे अभी एक हफ्ते पहले, जैसे बता रहे हैं? 10-15 दिन पहले विधायक जी थे वहां पर आपके गांव में? परेशान है, पेंशन के नाम पे पैसे नहीं लगे, बड़े बूढ़े आदमी बोलते काबू पेंशन नहीं कुछ नहीं। ये बताइए विधायक जी आपके गांव में 10 से 12 दिन पहले आए थे कि नहीं आए थे? अरे आएगा तो मुख्य दो आदमी के आए, गरीबन की कोई सुनना था बेटा, बड़े बड़े मिल के। अरे विधायक जी आए तो थे, आपने उनसे अपनी बात रखी कि नहीं रखी? चलिए ठीक है, परेशानियां ज्यादा हैं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक जी आए तो थे लेकिन बड़े लोग हैं आकर निकल गए। सत्यपाल जी, हमारे विधायक सच में बताएं, हमारे विधायक सबसे सरल और सहज विधायक अगर है तो गोवर्धन के विधायक है हमारे। अभी 2,27,00,000 की जैत से राजमार्ग को हमने निर्माण कराने के लिए माननीय विधायक जी ने उधर शिलान्यास किया, उधर भूमि पूजन किया, 33 केवी के बिजली घर का लोकार्पण माननीय ऊर्जा मंत्री ने उधर किया। और ये कह रहे हैं विकास इनका चश्मा गड़बड़ है, इनके चश्मे, इनको चश्मे चेंज करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ हम लोगों ने विकास का गड़बड़ है, चले ठीक है। एक और कॉलर जुड़ गया आपसे, प्रदीप जी आप बीच में मत बोला करिए, आपको समय दूंगा। प्रदीप जी आपको समय दूंगा, थोड़ा सा रुकिए। और कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, एक और कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, ठीक है एक सेकंड। सत्यपाल जी मुझको मिल गया, आपका जवाब मुझको मिल गया, कॉलर जुड़ गया। नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताइएगा जी। नाम बताइएगा अपना जी। गोवर्धन से बोल रहे हैं, नाम बताइएगा अपना, नाम बताइएगा अपना। अच्छा रमेश जी, बात रखिए रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी गोवर्धन में तो ऐसी स्थिति है कि अगर आप वहाँ आकर के आपकी टीम को भेज करके अगर सतर्कता पता करें तो कई तरह की समस्या है। आज ये जो चाहे आपके पास कोई भी बैठे हो बीजेपी के, इनको याद दिलाइए कि अभी कुछ दिन पहले गोवर्धन के गांव मनोरा में लोगों ने रोड की समस्या को लेकर के सामने तौर पर वोटिंग न करने का चलिए ये तो बड़ी बात है, ये तो प्रदेश नेतृत्व फैसला करेगा। लेकिन सत्यपाल जी गांव मनोरा के बारे में बता रहे हैं, शायद ये तस्वीरें भी गांव मनोरा की ही है जहां पर बहिष्कार का वोट लगाया गया था और कहा गया था कि 2022 में वोटिंग नहीं होगी। और ये देखिए हाल भी देखिए उस तस्वीरों में। सत्यपाल जी देखिए, लोकतंत्र में नाराजगी होना एक स्वाभाविक है और सबको अपनी बात कहने की आजादी है। लोकतंत्र में हम नाराजगी का सम्मान करते हैं। और चूंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए सवाल भी आप ही से हो रहे हैं। किसी गांव का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए सवाल भी आप ही से हो रहे हैं, कॉलर भी आप ही से सवाल करेंगे। हाँ बताइए। नहीं मैं सारे समस्त कॉलरों का सम्मान करता हूँ, और अगर देखिए पिछले 5 साल में बहुत विकास हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। एक गोवर्धन से डीग मार्ग पड़ता है जो बहुत ही बुरा मार्ग था, जो दो प्रांतों को जोड़ता है। आज आप वहां जाएंगे, वहां सड़कें चमचमाती सड़कें हैं, क्योंकि वहां से आगे बॉर्डर पर राजस्थान पड़ता है। आप उसकी सड़कें देखेंगे, चलिए आज कॉलर पर कॉलर आ रहे हैं, काफी कॉलर जुड़ रहे हैं आप दोनों को देखने सुनने के लिए। चलिए ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, इनको और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, वन मोर कॉलर प्लीज। जी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। प्रदीप जी एक सेकंड, कॉलर को ले लेते हैं फिर मैं आप दोनों पर आता हूँ। जी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
जी नमस्कार, नाम बताइएगा अपना। जी नमस्कार, नाम बताइएगा अपना, अगर आप मुझको सुन पा रहे हो तो। हेलो जी, नाम बताइएगा अपना, बहुत बहुत स्वागत है। जी मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, मैं गोवर्धन विधानसभा से गांव उमरी से बात कर रहा हूँ। गांव उमरी? उमरी उमरी, ठीक है, बताइए जी। हमारे गांव की बड़ी समस्या है, हमारे फसल नष्ट कर दी है और आवारा पशुओं से, गांव से, सांडों से बड़े परेशान है और रात भर जगना पड़ता है, उठना पड़ता है। बीजेपी कहती है कि चलिए ठीक है, समय की कमी के कारण आपको यही रोक रहा हूँ, आपका सवाल मुझे मिल गया। ठीक है सत्यपाल जी, गांव उमरी में आवारा पशुओं की बहुत समस्या है, गौशाला बनाने की बात करते हैं लेकिन है कुछ नहीं जी। जी रा जी सत्यपाल जी, गांव उमरी में, एक गांव उमरी में नहीं बल्कि पूरे जिले की मैं बात कह रहा हूं, पूरे जिले में बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने गौशाला का निर्माण कराया है और हर प्रबंधन के लिए हमारे माननीय विधायक जी ने बायकायदा एडीओ पंचायत और बीडीओ ब्लॉक दोनों अधिकारियों को निर्देश करके हर ब्लॉक पर हमारी 25-27 गौशाला है। लेकिन फिर भी मैं मानना हूँ ये गोवंश की समस्या अगर है, उसमें अगर गांव उमरी में अगर गोवंश की समस्या है तो इसको भी मैं निस्तारण कर रहा हूँ, 5 दिन में इसका भी हम निस्तारण कराएंगे। निश्चित तौर पर हमने हर गांव की समस्या को बहुत बारीकी से, हर गांव की समस्या को बड़ी बारीकी से देखा है और उसका समाधान भी किया है। प्रदीप जी लास्ट मोमेंट, लास्ट हिट, अगर कहीं गौशाला, अगर कहीं इनका गोवंश का मामला है तो उसको 5 दिन में निस्तारण कराएंगे। हम लोग जनता को, जनता की आंखों में डाल के राजनीति करते हैं, जनता की समाजवादी की तरह हम आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करते हैं। आप प्रोसेस में हैं, आप प्रोसेस में, जनता का सामना करेंगे, जनता जो आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। ठीक, आप ये बौखलाहट बता रही है 2022 की बौखलाहट है सतपाल जी की, प्रदीप जी आपको पिन कर रहे हैं, आप नाराज हो जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों के साथ बातचीत करके बड़ा मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। सत्यपाल जी, सत्यपाल जी थोड़ा ठंडा पानी पीजिएगा। चलिए तो आज का कार्यक्रम गोवर्धन विधानसभा सीट का तापमान क्या है, क्या है यहाँ का ताप, इसको जानने के लिए था। साथ ही साथ हमने माहौल को भी समझा कि क्या था। बाकी तमाम कॉलर्स जो हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इस कार्यक्रम को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।